आज हम लोग चंद्रमा के बारे में जानते हैं कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पे गड्ढे क्यों हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है। तो चंद्रमा को हम लोग पृथ्वी का जीवाश्म ग्रह उपग्रह कहते हैं। कौन सा उपग्रह? जीवाश्म। इसे जीवाश्म कहते हैं, रात की रानी कहते हैं पृथ्वी का, पृथ्वी का रात का रानी जीवाश्म। और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रमा जो होता है वो आप लोगों को हम बताए थे, ये हमारा पृथ्वी है और एक इसका उपग्रह है चंद्रमा। यहाँ ये चंद्रमा इसका चक्कर लगाता है पृथ्वी का, इसका चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है, और सूर्य का भी चक्कर लगभग 27 दिन में चंद्रमा पूरा करता है। हमारे पृथ्वी के एक दिन के बराबर चंद्रमा का 14 दिन हमारे पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। चंद्रमा का 14 दिन हमारे पृथ्वी के एक दिन का बराबर होता है। ये जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा पे कोई भी वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर कोई भी किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं। अब वायुमंडल नहीं होने के कारण जितने उल्का पिंड होते हैं, आप लोगों को हम बताए थे पिछले क्लास में पढ़ाए थे, अगर नहीं आप लोगों को याद होगा तो पिछले क्लास में देख लीजिएगा। ये बताए थे कि जो उल्का पिंड होते हैं वो मंगल ग्रह अपने ग्रेविटी के कारण खींचता है। अब खींचने की वजह से ये जब चक्कर लगाता रहता है पृथ्वी का, तो कभी कभी मंगल ग्रह जो होता है अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है ग्रेविटी के कारण। वो अपना घूर्णन चक्र लगाते रहते हैं, हर एक ग्रह अपना घूर्णन चक्र लगाते रहते हैं, सूर्य का लगाते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मंगल ग्रह जब आगे चला जाता है तो उल्का पिंड तुरंत गिर जाता है, और जब गिरता है तो कुछ पृथ्वी की सतह पे भी आ जाता है। पृथ्वी की सतह को बचाने के लिए आयन मंडल होता है, जिससे हम लोग वायुमंडल का एक परत होता है जिसे आयन मंडल कहते हैं, वो बचाता है, और कभी कभी गिर भी जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अभी फिलहाल चंद्रमा के बारे में देखते हैं। तो वो सब जो उल्का पिंड होते हैं डायरेक्ट पृथ्वी चंद्रमा पर गिर जाते हैं, और जब उल्का पिंड जो गिरता है उसका भार इतना ज़्यादा होता है कि वो इतनी रफ्तार से गिरता है कि चंद्रमा पे गड्ढा गुड्ढी इधर उधर जैसे ही गिरता है चंद्रमा में गड्ढा गुड्ढी बन जाता है, वो धस जाता है। चंद्रमा पे अगर कोई जाएगा रहने के लिए, तो अगर मान लीजिए इनके दो चार लोग गए और गलती से उल्का पिंड को गिर गया, कौनों के सरब गिर गया, तो वो आदि धस जाएगा। जब आदि धस जाएगा आप उसको खोजेंगे तो पता चलेगा आपको ज़मीन के नीचे मिलेगा। तो इस तरीके के उल्के पिंड होते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, गिरते रहते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा पे ढेर सारे आपको गड्ढे दिखाई देते हैं। अब ज़्यादा गड्ढे होने की वजह से चंद्रमा पे इतने उल्के पिंड हर रोज़ गिरते हैं, और इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो उसकी सतह में पूरा गड्ढा गुड्ढी और इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो चंद्रमा पे तो जाता है लेकिन उन गड्ढों में सही तरीके से नहीं जा पाता है। जैसे आप एक घर वगैरह एक आप लाइट जलाइए सब तरफ जाएगा उजाला, लेकिन अगर कहीं पे मुक्की उक्की है गड़ा गुड़ाई है तो वहाँ पे सही से प्रकाश नहीं जाता। इसी तरह सूर्य का प्रकाश भी जो होता है वो चंद्रमा की सतह पे तो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे वगैरह हैं तो वहाँ पे नहीं जाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा में वो जो दिखा वो प्रकाश जब नहीं जाता तो वहाँ पे अंधेरा दिखता है। अब नीचे से जो लोग पृथ्वी से ऊपर मुंडे उठा के देखते हैं तो कहते हैं ओ चंद्रमा में दाग है, लेकिन चंद्रमा में कोई भी दाग नहीं। वो एक्चुअली होता ये है कि वो गड्ढे होते हैं, और जो उल्का पिंड गिरने से गड्ढे तैयार होते हैं उन्हें क्रेटर कहते हैं। मैं पिछले भी क्लास में पढ़ा चुका था, जो उल्का पिंड गिरने से गड्ढे तैयार होते हैं उन्हें हम क्रेटर कहते हैं। तो वो जो क्रेटर होते हैं काफ़ी अगर बड़े साइज में बन जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर अंधेरा टाइप दिखता है। और कुछ लोग अब पृथ्वी से देखते हैं तो कहते हैं कि ओ यहाँ पे चंदा में दाग है। क्या क्या कहते हैं चंदा को, कोई कहता है कि चंदा मामा, और बहुत लोग कहते हैं चंदा वो चांद से दुल्हन लाएगा। मेरा कोई औरत है, अगर उसका लड़का बड़ा खूबसूरत उरत है, वो ऐसे खूबसूरत रहे चाहे कैसन और है, उसको बस पता ये है कि उसकी बहू कैसी आनी चाहिए, चांद सी दुल्हन लाएगा। अब कबो उसे चांद सी दुल्हन कहती, और उसी का जब लड़का उड़का हो जाएगा उसी का जो दुल्हनिया आए रहेगी, जब गलती से उसके पोता होता हो गया तो उसको खिलाएगी, तो कहेगी चंदा मामा आए ना दूध बात लावे ना।
तो उसको मामा बना देती है। कब वो कहते हैं सब मामा और कब वो कहती है चांद सी दुल्हन, यानी उसी को अलग अलग सब नाम देते रहते हैं। तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के लोग हैं, किसी को कुछ कह देते हैं। तो किसी से कुछ इसमें नहीं पढ़ने का, अपने पे ध्यान देना है हमें। तो ये जो होता है चंद्रमा, चंद्रमा पे गड्ढा होने का बस मात्र एक कारण है कि जो उल्का पिंड गिरते हैं वो पृथ्वी की सॉरी चंद्रमा की सतह पे गिरते हैं। तो ये उनका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव होता है, घनत्व तो ज़्यादा इतना होता है कि वो गिरते ही तुरंत क्या करते हैं गड्ढा टाइप कर देते हैं। उस गड्ढा को हम लोग क्या कहते हैं क्रिएटर। और जीवाश्म हम लोग किसे कहते हैं पृथ्वी का, चंद्रमा को। और ये जो चंद्रमा होता है पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में पूरा करता है और सूर्य का भी चक्कर लगभग 27 दिन में करता है और यहाँ का 14 दिन पृथ्वी के एक दिन के बराबर होता है। और हाँ, चंद्रमा पर हमारे कई वैज्ञानिक गए लेकिन पहली बार जो नील आर्मस्ट्रांग गए चंद्रमा के पे, तो जहाँ पर उन्होंने अपना पैर रखा, जो पहला कदम उन्होंने रखा, उसे हम लोग शांत का सागर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शांत का सागर। अर्थात कोई पूछे शांत का सागर कहाँ है तो आप बताएंगे कि चंद्रमा पर जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे तो जहाँ पर उन्होंने पहला अपना कदम रखा था वही उसे शांत का सागर कहते हैं। तो चंद्रमा का हम लोग 51% ही भाग देख पाते हैं, यानी कि 50 से 51% आधा भाग देख पाते हैं, आधा भाग नहीं देख पाते हैं। तो जिस भाग को हम लोग नहीं देख पाते हैं उसी भाग पर नील आर्मस्ट्रांग ने अपना पहला कदम रखा था जिसे हम लोग शांत का सागर कहते हैं। और उनके साथ एक और भी वैज्ञानिक गए थे। तो जिस हिस्सा को हम लोग नहीं देख पाते हैं उस हिस्सा को हम लोग कहते हैं ट्रैकुलिटी, सी ऑफ ट्रैकुलिटी बोलते हैं। जिस हिस्सा को हम लोग नहीं देख पाते हैं उसे सी ऑफ ट्रैकुलिटी बोलते हैं, वह चंद्रमा का हिस्सा है। और जो हम लोग देख पाते हैं वो तो हालांकि देख ही पाते हैं, और तो जो नील आर्मस्ट्रांग ने जो पहला अपना कदम रखा था सी ऑफ ट्रैकुलिटी पे ही रखा था, अर्थात चंद्रमा के पिछले हिस्से पे, जिस हिस्से को हम लोग देख नहीं पाते हैं। और उस हिस्से को हम जहाँ पे उन्होंने अपना पहला कदम रखा था उसे हम लोग शांत का सागर कहते हैं।